के इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज झारखंड में हो रहे कार्यक्रम के विशिष्ट रूप से आमंत्रित हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय, यहां उपस्थित केंद्र सरकार के मंत्रीगण, यहां उपस्थित राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, रांची रूप से आमंत्रित हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय, यहां उपस्थित केंद्र सरकार के मंत्रीगण, यहां उपस्थित राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, रांची के हमारी मेयर साहिबा उपस्थित, यहां आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में आप सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, ग्रामीणों, आदिवासी भाइयों, पत्रकार मित्रों, आप सबका सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए जोहार करता हूं। आज का ये दिन निश्चित रूप से काफी ऐतिहासिक दिन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। लगभग 150 साल होने जा रहे हैं आज इस जयंती को, और भगवान बिरसा मुंडा जी के याद में आज हम एक ऐसे जगह पर एकत्रित हैं जहां धरती आबा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। जिसको हम बिरसा कारा या बिरसा जेल से भी जानते हैं। आज इस परिसर को एक नया रूप देते हुए, इसको एक ऐतिहासिक चिन्ह बनाते हुए आज इस परिसर का सौंदर्यीकरण और कई राज्य के आंदोलनकारी, स्वतंत्रता सेनानी, और इस राज्य के समाज के अगुआ लोगों का एक संग्रहण तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को और इस राज्य के अंदर के बीते वक्त को, इतिहास को उन तक पहुंचा सकें। इस देश में कई राज्य हैं, उनमें से झारखंड भी एक छोटा सा राज्य है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस राज्य की इतिहास अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। जब हमारे देश के लोग देश आजादी के सपने भी नहीं देख रहे थे, उससे पहले से यहां के लोग अपने हक अधिकार
अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहें। कभी किसी से ये लोग डरे नहीं। धरती में जन्म लेते ही जीवन हमेशा इनका संघर्षमय रहा है और कहा जाए कि यह पूरा झारखंड एक वीर भूमि के रूप में चारों तरफ गूंजता है, चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे वो कोल्हान हो, चाहे वो पलामू हो, चाहे वो उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर हो। हर कोने में आप देखेंगे हमारे ऐसे वीर सपूतों ने यहां जन्म लिया। जहां इन लोगों ने अपने को सुरक्षित, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और इस प्रकृति को संरक्षित करने की लड़ाइयां लड़ी है। आज भौतिकवादी युग में हम चांद पर पहुंच चुके हैं, उससे भी आगे जाने की तैयारी में भी है। झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे वर्ग रहे हैं जहां कभी किसी के साथ ना कोई भेद, ना भाव, ना ऊंच ना नीच, ना घमंड ना गुरूर, किसी भी तरीके का द्वेष भाव मन में कभी नहीं रखा। हमेशा से इन लोगों ने सामूहिक रूप से सबको एक समान नजर से देखा। आज हमें निश्चित रूप से ऐसे वीर सपूतों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की आवश्यकता है, इनको याद करने की आवश्यकता है और आज कहीं ना कहीं इनकी आवाज झारखंड प्रदेश से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंच रहा है और इस विषय पर आज सामूहिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं इनका आभार प्रकट करूंगा। हमारे कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कई ऐसे वीर सपूत हैं जहां हमें उनको भी और आगे तक उनके नामों को ले जाने की आवश्यकता है और हम समझते हैं जिस तरीके से आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आज इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, आने वाले समय में भी राज्य के हम उन वीर सपूतों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। विशेष नहीं कहते हुए आज और भी कार्यक्रम हैं। आज यहां उपस्थित हुए सभी सम्मानित आदरणीय सदस्यों का, यहां उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय झारखंड, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों और सज्जनों।